हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो GitHub में कोड को किस तरह पुश किया जाता है, ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह गिट के कोड को अपडेट किया जाता है। मतलब आपने एक कोड अपलोड किया हुआ है, आप उसी जो है वो ब्रांच में, डायरेक्टरी में आप अपना कोड जो है वो अपडेट करना चाह रहे हो। तो इसके लिए ये हमारे पास पहले बना हुआ होगा, ये गिट का फोल्डर जो है जब हम उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है, पहली दफ़ा अपलोड करेंगे कोड। तो सेकंड दफ़ा अपलोड करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे CMDC फोल्डर में। तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि हमने जो है ये देखना है कि जो जो हमने चेंज किया है ना, वो हमने पुश करवाना है गिट की रिपोजिटरी में इधर ही। तो उसको हम पुश करवाने के लिए जो है कमांड रन करेंगे गिट एड डॉट की। तो ये हमारे पास कमांड रन हो गई है गिट एड की। तो इसके बाद हम देखेंगे गिट स्टेटस, गिट स्टेटस। तो ये हमारे पास मॉडिफाई हुआ है, ऐप JS मॉडिफाई हुई है, ये सोर्स में कुछ मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफिकेशन हमारे पास आ जाएगी कि ये चीज़ें हमारे पास मॉडिफाई हुई हैं। तो अब हम जो है हमने उसको गिट में पुश करवा दिया है। अब हम जो है इसमें ये कमांड रन करेंगे गिट कमिटेड। ये मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे है, ये इधर, ठीक है। तो ये मेरा कोड है, ये फर्स्ट कमिट आ रहा है जो मैंने पहली दफ़ा कमिट किया था इस पे, फर्स्ट कमिट। तो अब जब मैं रन करूँगा इसको, तो अब जो है ये जो मैं यहाँ पे लिखूँगा ना इसमें, तो ये यहाँ पे हमने कोड को पेस्ट कर दिया। ये फर्स्ट कमिट को हम कॉपी किए, तो यहाँ पे हम करते हैं पुट। तो ये फर्स्ट कमिट को हम कर देंगे सेकंड कमिट, या फिर आप अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है, सेकंड कमिट। ओके, तो ये आप रन करेंगे तो ये हमारे पास जो जो आई होंगी फाइल्स एडिट हो के, वो हमारे पास उसमें चार फाइल्स हैं और एक पिक्चर है हमारे पास जो हमने अपडेट की है। तो लास्ट पे हम ये कमांड रन करेंगे जो है कि उसको पुश करवा देंगे अब हम उस डायरेक्टरी में ऊपर जो हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमारे पास पुश हो रहा है कोड। तो ये पुश हो गया हमारे पास। तो ये देखें अब जो है यहाँ पे फर्स्ट कमिट आ रहा है ना आपके पास, जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे सेकंड कमिट आ जाएगा। ये देखें, ये सेकंड कमिट तो ऐप डॉट जेएस में हमने किया था। जहाँ जहाँ पे हमने चेंजिंग की होगी ना, वहाँ पे सेकंड कमिट आ जाएगा, और जहाँ पे चेंजिंग नहीं की होगी वहाँ पे फर्स्ट कमिट आ जाएगा। ये एक मिनट अगो। तो इस तरह हम जो है अपने कोड को, अपने गिट के कोड को जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।